जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों, शुक्रवार का दिन 5 नवंबर, सौभाग्य योग विशाखा नक्षत्र, बृहस्पति और चंद्रमा का प्रभाव, राहु की छाया, शुक्र मंगल शनि की दृष्टि। तुला राशि वालों, दीपावली आपका बहुत शुभ गुजरा है, क्योंकि दीपावली में ग्रहों की जो दशा थी वो तुला राशि वालों के लिए बड़ा भाग्यशाली योग लाया था, जिसके कारण आने वाला समय आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आपके जीवन में सौभाग्य धन बढ़ेगा, लाभ और सुख मिलेगा, क्योंकि पंचांग के अनुसार और आपकी कुंडली में ग्रहों के गोचर के अनुसार इस साल की दीपावली आपके लिए बहुत शुभ रही है, क्योंकि जिस समय दीपावली का शुभ मुहूर्त था उस समय प्रदोष काल में स्वाति नक्षत्र में आपकी कुंडली में शुक्र राहु का प्रभाव था, जिसके कारण आपके जीवन में सौभाग्य का योग बना है, जिसके कारण आपके जीवन में सुख और धन का योग बना है। आज सौभाग्य योग भी है, विशाखा नक्षत्र भी है, सर्वात सिद्धि योग भी है, बृहस्पति चंद्रमा का प्रभाव। आज शुक्रवार के दिन आपके लिए बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी, भाग्य में धन संपत्ति का सुख और जीवन में खुशियों को बढ़ाने वाला सुंदर योग बना रहा है। आपके जीवन में आत्मविश्वास, आपके जीवन में भरपूर खुशखबरी, आपके जीवन की खुशियाँ, आपके जीवन का प्यार, सुख धन लाभ, क्योंकि आज का दिन बड़ा भाग्यशाली होने वाला है। बृहस्पति इस समय आपकी कुंडली के सुख स्थान में शनि के साथ बैठा है, जबकि चंद्रमा मंगल और सूर्य के साथ आपके लग्न में गोचर कर रहा है। राहु का अष्टम भाव में गोचर करना और शुक्र का केतु के साथ धन स्थान में और शनि का बृहस्पति के साथ सुख स्थान में, मंगल का सूर्य चंद्रमा के साथ लग्न में और बुध का द्वादश भाव में गोचर करना तुला राशि वालों के लिए सौभाग्य को जगाने वाला, आपकी किस्मत को चमकाने वाला सोया हुआ नसीब भी जागेगा। आपके जीवन में अचानक लाभ का योग बनेगा, धन का योग बनेगा, क्योंकि विशाखा नक्षत्र सौभाग्य योग में बृहस्पति और चंद्रमा का प्रभाव, बृहस्पति के मित्र ग्रह सूर्य चंद्रमा मंगल और चंद्रमा के मित्र ग्रह सूर्य और बुध, आपकी कुंडली में सूर्य का लग्न में उदय होना, चंद्रमा और मंगल का साथ है। सूर्य आज बहुत ताकतवर है, क्योंकि चंद्रमा मंगल सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, जबकि बृहस्पति सुख स्थान में बैठा है। आज चंद्रमा का उदय भी आपकी कुंडली के लग्न में हुआ है। आज बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के प्रभाव से प्रभावित है, जबकि बुध हस्त नक्षत्र में चंद्रमा के प्रभाव से और राहु कृतिका नक्षत्र में सूर्य के प्रभाव से, केतु अनुराधा नक्षत्र में शनि के प्रभाव से आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा, आप धनवान बनेंगे, आपके जीवन में सुख लाभ बढ़ेगा, बड़ी कामयाबी सफलता आपके जीवन को सुंदर और आपको भाग्यशाली बनाएगा। तुला राशि वालों, सर्वात सिद्धि योग भी है, सौभाग्य योग भी है, ऐसा अवसर जो आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाए, ऐसा अवसर जो आपके जीवन में उन्नति का योग बनाए, ऐसा अवसर जो आपके जीवन में भय और संकट को दूर करे। आज विशाखा नक्षत्र में सौभाग्य योग में ऐसा ही योग तुला राशि वालों के लिए दिखाई दे रहा है। ग्रहों की दशा आपकी कुंडली में ऐसा संकेत लेकर आया है, मानो आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। रिश्तों में प्यार, जीवन में बदलाव,
आपके जीवन में संपत्ति उन्नति सुख के लिए ये समय शुभ है, जो आपके जीवन की परेशानी को दूर करेगा, आपके जीवन में धन समृद्धि बढ़ाएगा। तुला राशि वालों, इस साल की दीपावली का शुभ मुहूर्त उस समय आपकी कुंडली में राहु और शुक्र का प्रभाव, चंद्रमा बृहस्पति मंगल का प्रभाव और शनि का प्रभाव इतना शुभ था कि आने वाला समय आपके लिए सौभाग्य और लाभ लेकर आएगा। आप देखेंगे आपके जीवन में आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आपके जीवन में धन बढ़ेगा, व्यापार अच्छा चलेगा, परिवार में खुशियां और जीवन में उन्नति का योग बनेगा, क्योंकि लक्ष्मी पूजा शुभ मुहूर्त में आज आपके ग्रहों की हिसाब से अति शुभ रहा है, जिससे आपके जीवन में लाभ उन्नति का योग है, धन समृद्धि का योग है, आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि सौभाग्य को जगाएगा। तुला राशि वालों, आज विशाखा नक्षत्र सौभाग्य योग में बृहस्पति और चंद्रमा का प्रभाव आपके लिए बड़ा शुभ योग बना रहा है, क्योंकि मंगल के प्रभाव से बृहस्पति और मंगल जो लग्न में बैठा है, मंगल के कारण आपके जीवन में समृद्धि का योग है, क्योंकि मंगल के मित्र ग्रह सूर्य बृहस्पति चंद्रमा है। बृहस्पति और मंगल साथ में चंद्रमा और सूर्य आज आपके जीवन में समृद्धि और सौभाग्य का जो योग है, आपके जीवन की विघ्न बाधा को दूर करेगा। स्त्री से अच्छे संबंध बनेंगे, आपके जीवन में लाभ होगा, धन संपत्ति मिलेगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए हर तरह से लाभ और उन्नति लेकर आया है, क्योंकि बृहस्पति का जब प्रभाव होता है, चंद्रमा का जब प्रभाव होता है, तो आपके जीवन में बेहतर परिणाम सुखद स्थिति का निर्माण होता है। शुभ दशा में आपके जीवन में जबरदस्त तरक्की होती है, उन्नति का योग बनता है। तुला राशि वालों, ये समय आपके लिए बड़ा उन्नति और समृद्धि लेकर आया है, सौभाग्य और धन को लेकर आया है, क्योंकि आपके जीवन में इस समय संघर्ष का अंत होगा, आप भाग्यशाली बनेंगे। आज सफलता प्राप्त करने के लिए आप मेहनत करेंगे, उस मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा, धन कमाने की इच्छा पूरी होगी, क्योंकि आज बृहस्पति के प्रभाव से भाग्य की शक्ति से धन का लाभ होगा, जबकि चंद्रमा आपके जीवन में लाभ और सफलता देगा। साथ ही शुक्र मंगल शनि की दृष्टि और राहु की छाया आपके जीवन में जो योग बना रहा है, वो आपको उत्साह और उमंग से आगे बढ़ने का साहस देगा। आपकी सोई हुई किस्मत भी जागेगी, आपके जीवन में तरक्की का योग बनेगा, आपके जीवन में लाभ का योग बनेगा। तुला राशि वालों के लिए शुक्र जो लग्न का स्वामी है, शनि जो सुख स्थान का स्वामी है, बृहस्पति जो पराक्रम का स्वामी है और चंद्रमा जो आपके कर्म स्थान का स्वामी है, आपके जीवन में भरपूर सुख उन्नति तरक्की, ये समय उत्साह उमंग से आगे बढ़ने वाला समय है, ये समय धन दौलत कमाने का समय है, ये समय जीवन की समस्याओं पर विजय प्राप्त करने का समय है, क्योंकि आज मंगल केतु और शुक्र की दशा भी आपके लिए शुभ है, जो आपके उत्साह और जोश को बढ़ा रहा है, आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, मन से जो भी काम करेंगे उसमें सुख धन प्राप्त होगा। तुला राशि वालों, विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग। 5 नवंबर शुक्रवार का दिन, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, गोवर्धन पूजा, सर्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग में विशाखा नक्षत्र, बृहस्पति चंद्रमा का प्रभाव, राहु की छाया, शुक्र मंगल शनि की दृष्टि। दिन की शुरुआत सुबह 4:52 से 5:44 विशाखा नक्षत्र का बृहस्पति आज आप पर मेहरबान है। सौभाग्य योग में आज बृहस्पति आपके जीवन में उन्नति का योग बनाएगा, तरक्की का योग बनाएगा, जीवन की निराशा को दूर करेगा, कामयाबी सफलता देगा, कॉन्फिडेंस से काम करते जाएं, आपके जीवन में लाभ का योग है, उन्नति का योग है। आज
आज का विजय मुहूर्त 1:54 से 2:38 विजय मुहूर्त में राहु की छाया होगी, शनि की दृष्टि होगी। विजय मुहूर्त में सुख बढ़ेगा, अचानक सफलता मिलेगा, कार्य सिद्धि का योग है, नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा, परिवार में खुशियां और शांति बनी रहेगी। अमृत काल में शाम 6:35 से 8 रात तक आपके जीवन में शुक्र और मंगल की दृष्टि है, वहीं चंद्रमा का प्रभाव है। अपने साहस से भाग्य में सुख का योग, अपने साहस से धन का योग, सफलता का योग, अच्छे परिणाम। आज आप जो भी करेंगे उसमें भाग्यशाली बनेंगे। आत्मविश्वास आपके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि देगा, आप तरक्की हासिल करेंगे। आज का सर्वाध सिद्धि योग 10:11 रात्रि से आरंभ होगा। सर्वाध सिद्धि योग में आपके जीवन में लाभ का योग है, उन्नति का योग है। आज का राहु काल सुबह 10:42 से 12:04 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। सौभाग्य योग विशाखा नक्षत्र में बृहस्पति चंद्रमा का प्रभाव। आज पश्चिम दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें, आपके लिए लकी कलर येलो होगा, लकी नंबर 4 होगा। तो तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बड़ा भाग्यशाली है, जो आपके किस्मत को बदलेगा, बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा, सफलता और कामयाबी देगा। आपके जीवन में लाभ का योग है, उन्नति का योग है, तरक्की का योग है, सुख का योग है। तो तुला राशि वालों, आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपके जीवन में लाभ का योग बनेगा, आपके जीवन में तरक्की का योग बनेगा, आपके जीवन में सुख का योग बनेगा, आपके जीवन में समृद्धि का योग बनेगा। तो तुला राशि वालों, ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।